है ये, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ उठा हुआ, तो ये भाई ये जो है शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है पूरा। यहाँ पर ये जो शोल्डर है, ये वाला जो है ये डिसलोकेशन हो गया है, और भाई छाती में इस साइड में ब्लड हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी मैं हाथ रख रहा हूँ वहीं पे ब्लड सा जा रहा है आगे को, यहाँ तक सूजन आ गई है। तो अभी जो है मैं तेज बहादुर हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, और यार सब सही होना चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है इस चीज़ की, और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं, मैंने ऐसी सोची नहीं थी जो ये हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, पैसे भी बहुत कम है मेरे पास में, पर जो कराना है वो तो कराना पड़ेगा मेरे को, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सपोर्ट करें। मैं वहाँ लेकर जाऊँगा, मेरी बुआ आ रही है उनके साथ जाऊँगा मैं, और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, हाथ पैर सारे मेरे कांप रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ होती तो मेरे को इतनी घबराहट नहीं होती, क्योंकि ये तो हड्डी जुड़ जाती कैसे न कैसे करके, लेकिन वो तो ब्लड अंदर जो ऑटो पलटा है, तो ऑटो के ऊपर का जो डंडा होता है वो पूरा का पूरा छाती के ऊपर वजन था, और पूरा ऑटो का वजन था, उसके अंदर सवारी भी थी बहुत सारी, उसका वजन था, तो अंदर की मांसपेशियाँ वगैरह फट गई है शायद, इसकी वजह से वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े जा रहा है, यहाँ पर चढ़ जाता है ब्लड, कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ पर हाथ में आ जाता है, जहाँ भी हाथ रखता हूँ वहीं पे आवाज़ सी आती है, जिससे कुछ भरा हुआ है वहाँ पर, तो वो ब्लड भर रहा है वहाँ पर। तो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस इंतज़ार कर रहा हूँ वो आ जाए तो मैं लेके चला जाऊँ, कपड़े वगैरह मैंने पैक कर लिए हैं, तो मैं वहाँ लेके जाता हूँ। आगे की बात मैं आपको जब भी बताऊँगा, क्योंकि इस टाइम मैं कुछ भी बताने के हालात में नहीं हूँ, और ना ही मैं वीडियो बनाने के हालात में हूँ, पर मैं बाकी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। और भाई मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ यार सपोर्ट करना, और मुझसे नहीं बोला जाएगा यार।